आज हम कक्षा सातवीं विषय हिंदी व्याकरण पार्ट नंबर सिक्स समास जो हमने कल रीड किया था, कल हमारा कंप्लीट हो गई थी रीडिंग, आज हम उसी लेसन का पुस्तक अभ्यास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पुस्तक अभ्यास कक्षा सातवीं विषय हिंदी व्याकरण पार्ट नंबर सिक्स समास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, समस्त पद का निर्माण करने हेतु पद होते हैं। कितने पद होते हैं समस्त पद का निर्माण करने के लिए? दो। कितने होते हैं? दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय से तात्पर्य है, जो अव्यय शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं या अविकारी होते हैं? क्या होते हैं वो? अविकारी शब्द। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास के प्रमुख रूप से भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? छह। नेक्स्ट, ने तत्पुरुष समास में प्रथम पद होता है निषेधात्मक। ने तत्पुरुष समास में प्रथम पद क्या होता है? निषेधात्मक। नेक्स्ट, योजक चिन्ह, जो ये योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है का प्राय प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। जो योजक चिन्ह है उसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? द्वंद्व समास में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित सामासिक पदों के समास के सही नाम के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक है, हमें बताना है सामासिक पद कि इसमें कौन सा पद है, कौन सा समास है इसके अंदर। पंकज, पंकज के अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीही समास। दाल रोटी द्वंद्व समास, दाल और रोटी। आजीवन, जीवन भर। अव्यय भाव समास। पद युक्त, पद में युक्त। तत्पुरुष समास। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, निम्नलिखित को सही पद से मिलाइए। ये दिए गए हैं, इनको हमें सही मिलान करना है। फर्स्ट है, स्रव को प्रिय, स्रव प्रिय। नेक्स्ट, नीला है कंठ जिसका, नील कंठ। नेक्स्ट, यज्ञ के लिए साला, यज्ञ साला। है गंगा का जल, गंगा जल। नेक्स्ट है, शरण में आवत, शरणागत। नेक्स्ट, महान है जो देव, महादेव। नेक्स्ट, पेट भर, भर पेट। नेक्स्ट है जयपाठ, तीन फलों का समूह, त्रिफला। रेखा से अंकित, रेखांकित। चार भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज। क्या होती है जिसकी चार भुजाएं होती हैं? वो होता है चतुर्भुज। ये थे हमारे थर्ड, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न पदों के समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। क्या करना हमें? जो पद दिए गए हैं उनका समस्त पद भी बनाना है और हमें समास का नाम भी बताना है। फर्स्ट है, नीले कंठ वाला, नील कंठ। इसका समस्त पद क्या हुआ? नील कंठ। और इसके अंदर समास कौन सा है? कर्मधारय समास। उसके बाद है सेकंड, नीला है कंठ जिसका, नील कंठ। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीही समास। पीले वस्त्रों वाला, पीतांबर। पीले है वस्त्र जिसके, पीतांबर। लेकिन पीले वस्त्र वाला कर्मधारय समास। पीले है वस्त्र जिसके, बहुव्रीही समास। नेक्स्ट है, तीन नेत्रों का समूह, त्रिनेत्र। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, तीन है नेत्र जिसके,
उत्तीर्णेतर बहुव्रीही समास। ठीक है, ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। इसमें क्या था, विग्रह किया गया था, समस्त पद हमें बनाना था और समास का नाम बताना। इसमें क्या हमें विग्रह करना है और उसके बाद समास का नाम भी बताना। ठीक है, लाभ हानि, लाभ और हानि कौन सा समास है, द्वंद्व समास। सॉरी, फर्स्ट है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है लाभ हानि, लाभ और हानि द्वंद्व समास। आजीवन, जीवन भर अव्ययी भाव समास। देवालय, देवों के लिए आलय संप्रदान तत्पुरुष समास। महादेव, महान है जो देव कर्मधारय समास। तीरावन, तीन रामों का समूह द्विगु समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका बहुव्रीही समास। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके बहुव्रीही समास। तिरंगा, तीन रंगों का समूह द्विगु समास, क्योंकि संख्या आदि इसमें। अन्याय, ने न्याय, ने तत्पुरुष समास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कर्मधारय तथा बहुव्रीही समास के अनुसार निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह कीजिए। बहुव्रीही और कर्मधारय दोनों समासों के अनुसार हमें विग्रह करना है। फर्स्ट है पीतांबर, पीले है अंबर जिसके, पीले है अंबर जिसके। फर्स्ट है पीले, अंबर है जिसके, पीले है अंबर जिसके। सेकंड है पंचानन, पांच आनंद है जिसके, पांच है आनंद जिसके। नेक्स्ट दशानन, दस आनंद है जिसके, दस है आनंद जिसके। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित समासों के दो दो उदाहरण दीजिए। फर्स्ट है द्विगु समास, नौ रत्नों का समाहार नवरत्न, तीन देव का समुद्री देव। नेक्स्ट है अव्यय भाव समास, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रतिवर्ष, बिना जाने अनजाने। ने समास, ने चाहा अनचाहा, ने ज्ञान अज्ञान। द्वंद्व समास, नर और नारी, नर नारी, गुण और दोष, गुण दोष। अब है हमारा करण तत्पुरुष समास, मन से माना, मन माना, मन से चाहा, मन चाहा। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। इसको आपने अपनी नोटबुक, सॉरी बुक के अंदर अच्छे से साफ साफ राइटिंग कर राइट करना है और फिर इसको क्या करना है, लर्न करना है। ओके स्टूडेंट।